हेगा गाइस आज हम बात करेंगे फासीवाद के बारे में जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फासिज्म इसमें ये जो टॉपिक है ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में भी अक्सर आता है ये क्वेश्चन तो इसको ध्यान से पढ़िएगा ठीक है तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव जान जानी ये चैप्टर आपको पढ़ने से क्या फ़ायदा है आपको क्या जानने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको क्या फासीवाद का अर्थ क्या होता है शब्द के संदर्भ में ठीक है फांसीवाद एक वर्ड है तो उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है फिर फांसीवाद विचारधारा का अर्थ क्या होता है ओके फासिस्ट कौन थे फांसीवाद उत्पन्न होने के कारण क्या थे कुछ कारण तो कारण रहे होंगे फांसीवाद उत्पन्न ऐसे तो हो ही सकता कुछ परिस्थितियां ऐसी रही होगी उस टाइम तो फांसीवाद आया ओके फांसीवाद की विशेषताएँ विचारधारा सिद्धांत इनके बारे में आज हम अच्छे से बात करने वाले हैं तो उसको ध्यान से पढ़िएगा तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे फांसीवाद के शाब्दिक अर्थ के बारे में कि फांसीवाद क्या होता है तो फांसीवाद इटालियन भाषा का शब्द फांसी से बना है ओके फांसी का अर्थ क्या होता है लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी अब लकड़ी का गट्ठर एकता का प्रतीक माना जाता है अब लकड़ी एक लकड़ी तो आसानी से टूट जाती है लेकिन अगर आप 100 लकड़ियों को या 10-20 लकड़ियों को एक साथ बांध देते हैं तो वो आसानी से नहीं टूट सकती तो ये क्या दर्शाता है ये बताता है कि एकता में बल होता है है ना तो ये बताता है उसके बाद कुल्हाड़ी बताता है कुल्हाड़ी भी इसका अर्थ होता है कुल्हाड़ी का मतलब होता है शक्ति का प्रतीक पहले क्या होता था कि यूरोप में जितना मतलब जिनके पास पावर्स होती थी पावरफुल लोग होते थे है ना अथॉरिटीज जिनके पास होती थी वो लोग एक लकड़ी का डंडा लेके रखते थे ठीक है तो इससे भी आप इसे कंपेयर कर सकते हो कि वो लकड़ी का डंडा एक शक्ति का प्रतीक हुआ करता था तो इसी तरीके से फांसी एक वर्ड है ये एक शक्ति का प्रतीक है ठीक है शाब, शाब्दी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा अब आगे देखते हैं फांसीवाद का अर्थ क्या होता है ओके यह एक ऐसी विचारधारा है जिसमें लोकतंत्र और उदारवाद का प्रबल विरोध किया जाता है ये एक ऐसी विचारधारा है जिसके अंदर लोकतंत्र का विरोध किया जाता है ठीक है आगे आपको पता चला कि लोकतंत्र का विरोध में करा क्यों जाता है है ना उदारवाद का भी विरोध किया जाता है ये कुछ ये नहीं मानते कि लोगों को स्वतंत्रता देनी चाहिए ये कहते थे कि राज्य द्वारा स्वतंत्रता लोगों को दी गई एक भीख है और राज्य जब चाहे स्वतंत्रता को छीन सकता है तो ये इनका मानना था और इस विचारधारा के मेन प्रवेता जिन्हें कहा जा सकता है मुसोलिनी मुसोलिनी थे बेनिटो मुसोलिनी ओके ये होता था इसके अंदर और लोकतंत्र में भी वो ये कहते थे कि जो लोग होते हैं ना उनको कुछ नहीं पता होता है और अगर लोगों के कहने से हम जन्म संग्रह से चलेंगे तो फिर पूरा राज्य पूरा देश बर्बाद हो सकता है तो इसलिए लोकतंत्र का कोई रोल होता ही नहीं है ठीक है इसमें ये कहते हैं और ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र में अमीर और अमीर होता रहता है गरीब और गरीब होता रहता है तो इसके अंदर वर्ग संकर्ष चल जाता है इसके अंदर तो इस वजह से ये इन चीज़ों को नहीं मानते थे और ये क्या कहते हैं निरंकुशवाद उग्र राष्ट्रवाद युद्धवाद आदि के समर्थक होते हैं फांसीवाद जो विचारधारा के लोग होते हैं वो निरंकुशवाद होते हैं ठीक है उग्र राष्ट्रवाद होते हैं इनके अंदर एक्स्ट्रीम राष्ट्रवाद की भावना होती है है ना और युद्धवाद होते हैं मतलब युद्ध कहते थे कि युद्ध का समर्थन करते हैं अगर इनकी नज़रों में कहीं युद्ध हो रहा है तो हाँ ये कहते हैं कि हाँ ठीक है युद्ध हो रहा है अच्छी बात है ठीक है युद्ध के समर्थक होते हैं ये और आदि कई और भी चीज़ें जिनके समर्थक होते हैं जब हम इनकी विचारधाराएं पढ़ेंगे तो आप उनमें जानेंगे ठीक है आगे देखते हैं अब फासिस्ट कौन होते हैं फांसीवादी विचारधारा को अपनाने वाले जो लोग होते हैं उनको फासिस्ट कहा जाता है ठीक है अब फासिस्ट में कौन कौन से लोग शामिल थे अब हम इसकी बात करेंगे सबसे पहले युद्ध में लड़ चुके सैनिक वो सैनिक जो युद्ध में लड़ चुके हैं ठीक है थीके? उग्र राष्ट्रवादी लोग जो एक्सट्रीम राष्ट्रवाद की भावना रखते हैं अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता कि आप किस जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा उनको समझ में आ जाए अब जैसे हम मेरा एक हमारा एक देश है ठीक है मुझसे अगर बाहर का कोई इंसान आता है हमारे देश के अंदर और वो ये क्या हमारे देश की कुछ बुराइयां कर देता है अगर हम नॉर्मल राष्ट्रवादी लोग हैं तो हम उस बुराइयों को सह लेंगे और उन बुराइयों में जो कमी मतलब जो कमियां हैं हमारे देश के अंदर उनको सुधारने की कोशिश करेंगे लेकिन उग्र राष्ट्रवादी में क्या होता है अगर कोई बाहर का इंसान हमारे देश में अगर कुछ बोल जाए हमारे देश के बारे में तो उनको क्या कर दिया जाता है इनके द्वारा मार दिया जाता है डायरेक्ट कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देश के बारे में बोलने की इनमें एक खून सा खोल जाता है कि भाई हमारे देश के बारे में बोला तो बोला कैसे तो ये उग्र राष्ट्रवादी लोगों की निशानी होती है ठीक है जो गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बस बुरा लग जाता है इनको है ना ये होता है और सैन्यवादी लोग ठीक है जो सैन्य का विस्तार चाहते थे सैन्य को बढ़ाना चाहते थे वो लोग भी इसमें शामिल थे जमींदार धनी वर्ग भी इसमें शामिल थे संपन्न वर्ग अब इन्हें कह सकते हैं ठीक है बेरोजगार जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था वो भी इसमें शामिल थे बेरोजगार लोग क्योंकि ये जो फांसीवादी विचारधारा थी ये पार्टी थी इन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था जिस घोषणा पत्र के अंदर काफ़ी प्रावधान किए गए थे जैसे मैं आपको बता देती हूँ एग्जाम्पल के तौर तो पर से मज़दूरों को आठ घंटे से अधिक काम नहीं करने देना मतलब आठ घंटे सीमित घंटे उनके अलावा उनको काम नहीं करने जना हथियार बनाने वाले कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए क्योंकि ताकि प्राइवेट कंपनी ही ज्यादा अपना मुनाफा ना कर सके सरकार के अंडर वो सब कुछ आ जाए चर्च, चर्च की संपत्ति को जब्त कर लेना आर्थिक काउंसिल का निर्माण करना है ना कानून बने बनाने का अधिकार प्रदान करना और कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना और कुछ उद्योगों वर्ग पर मजदूरों का नियंत्रण भी करना क्योंकि पहले क्या होता था उद्योगों पर पूंजीपतियों का ही सिर्फ नियंत्रण होता था लेकिन कुछ उद्योगों पर इन्होंने मजदूरों का नियंत्रण भी स्वीकार किया तो इन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसके अंदर इन ये सब प्रावधान किए गए है ना और एक संविधान सभा घट गट, गठित करने की भी बात की गई जिससे क्या था कि जो बेरोजगार लोग थे मजदूर वर्ग थे कृषक वर्ग थे है ना निम्न वर्ग थे वो इन विचारधारा की और और आकर्षित हुए क्योंकि उस टाइम बहुत आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फैला हुआ था कि लोग सोच रहे थे एक विकल्प तलाश कर रहे थे होता है ना अगर हमारे प्रॉब्लम हमारी लाइफ में कोई समस्या आ जाती है तो हम एक कोशिश करते हैं कि कोई तो मिले जो हमारी इस प्रॉब्लम को खत्म कर दे सोचते हैं ना तो यही फासेस्ट लोगों के साथ उस टाइम लोगों के साथ होता ना इटली के लोगों के साथ तो इस वजह से तो उनको मुसोलिनी वो अधिका वो मिला इंसान जो इनको लगा कि हाँ अब ये हमारे कष्ट जो है वो मिटाएगा तो इस विचारधारा की तरफ इटली वाले लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित तो होने लगे स्टार्टिंग में तो ये बहुत प्रबल रही लेकिन एंड में ये आगे ख़त्म होती गई ठीक है आगे अब देखते हैं इसमें छात्र लोग भी शामिल थे बच्चे स्टूडेंट्स ओके व्यवसायी लोग ठीक है गे सब शामिल थे अब हम बात करेंगे कि कारण क्या थे अब फांसीवादी विचारधारा आ गई इतने जोरों शोरों से चली ठीक है तो इसके क्या कारण रहे होंगे तो फर्स्ट कारण था पेरिस शांति सम्मेलन अब इसमें क्या होता है कि लंदन में ना गुप्त बैठक होती है 23 अप्रैल 1915 के अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है 1914 से 1918 के बीच में 1915 में ये गुप्त बैठक हो कर ली जाती है कि इटली से मित्र राष्ट्र जो है ना मित्र राष्ट्र में कौन कौन इटली फ्रांस मेनली इटली से वादा करते हैं कि जब हम जीत जाएंगे या फिर कुछ ऐसा तो हम तुम्हें कुछ राष्ट्र दे देंगे ठीक है लेकिन ज, और जब इटली ने पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था हमारा 1919 में जब इटली ने ये बात रखी कि भाई अब जो तुमने लंदन वाली गुप्त बैठक के अंदर जो वादे किए थे उनको पूरा करो तो ये सारे के सारे मुकर गए मित्र राष्ट्र ओके तो इस वजह से इटली को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची उसको एक धोखेबाज जैसी फीलिंग लगी और तो इस वजह से ये हुआ था और इसमें ये था कि फ्यूम डलमेशिया अल्बेनिया और जर्मन के कुछ उपनिवेश अफ्रीका में कुछ उपनिवेश बनाने का अधिकार मतलब इस तरीके से कुछ चाहती इटली की है ना इटली का बहुत नुकसान भी हुआ था इसलिए इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनके सिन का साथ दिया था मित्र राष्ट्रों का लेकिन ये सब इनका पूरा नहीं हुआ जिस वजह से इटली के लोगों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची और लेंडो थे इस टाइम उसके प्रधानमंत्री है ना तो बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ तो इस वजह से इटली के लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ गया गुस्सा आ गया कि जो हमसे वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए तो एक ये भी कारण था कि लोगों में की अर्थव्यवस्था बहुत परेशान होने लगे है ना सब लोग भी ये थोड़ा परेशान हो गए और इसी परेशानी का फ़ायदा उठा के मुसोलिनी सत्ता में आ गया और उन्होंने सारा अधिकार जमा लिया तो ये भी एक कारण है सेकंड कारण क्या है युद्ध में इतनी हानि हुई थी ठीक है वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर वॉर में में मतलब फर्स्ट घायल तो हो गए थे, थे तो इटली को कोई फायदा नहीं हुआ है ना इटली ने इतना कुछ गवाया भी और इटली को कोई फायदा नहीं हुआ इटली जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ जब इटली जो राष्ट्र जीते थे उनके साथ खड़ा तो था लेकिन वो हारा हुआ जैसा ही था क्योंकि उसको कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ था सारे जो चीज़ें थी है ना जिन पे हथियारा था वो फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में बांट लिए थे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आर्थिक कारण आर्थिक कारण क्या था कि उस टाइम अब इतने सारे लोग सात लाख सैनिक मर गए हैं दस लाख सैनिक घायल हो गए हैं कुछ लोग इसमें बहुत कुशल होंगे अलग अलग फील्ड के अपने कुशल होंगे क्योंकि उस टाइम अनिवार्य सैनिक व्यवस्था लागू कर दी गई थी तो बेरोजगारी बढ़ गई थी इटली के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई थी वस्तु के मिलने में वृद्धि हो गई जिस वजह से लोग खरीद नहीं पाते थे भूखे मर रहे थे साधन सारे खत्म हो गए थे औद्योगिक इकाइयाँ बंद होने लगी थी है ना फैक्ट्री बंद होने लगी थी तो लोगों की नौकरियाँ छिन गई बहुत ज़्यादा भूखमरी जैसी माहौल बन गया था कच्चे माल की आपूर्ति रुक गई थी कच्चे माल की आपूर्ति रुक गई तो फैक्ट्रियाँ तो बंद होनी ही है क्योंकि कच्चे माल से सब कुछ बनता है ना तो ये सब सादी परिस्थितियाँ बन गई थी इस वजह से भी एक मौका मुसोलिन ने लिया उठाया और वो आ गया है ना और फोर्थ पॉइंट है असंतोष जनता जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष की स्थिति आ गई थी क्या हुआ था वो लोग हिंसक प्रदर्शन करने लगे अपनी सरकार के खिलाफ लूटपाट जैसा माहौल हो गया हड़ताली होने लगी मार पिटाई ऐसा बहुत गंदा माहौल बन गया था तो नाइनटीन नाइन इसी नाइनटीन नाइन्टी से नाइनटीन ट्वेंटी वन के अंदर पांच सरकारें बदली गई थी अब आप सोच सकते हो पांच सरकारें बदली जाएंगी इसका मतलब तो यही है ना कि ये सरकारें विफल हो गई इन लोगों को समझाने के लिए और मुसोलिनी ने इसका ही फ़ायदा उठाया मुसोलिनी एक बहुत अच्छा ओरेटर था बहुत अच्छी मतलब स्किल उसकी बात करने की ऐसी थी कि लोग उससे आकर्षित होते थे है ना हम सबसे पहले किसी इंसान में कैसे आकर्षित होते हैं उसके बोलने के तरीके से ना तो इसी तरीके से मुसोलिनी पे सब लोग आकर्षित होते गए जिस वजह से मुसोल मुसोलिनी का प्रभाव बढ़ता गया लो, लोगों के ऊपर तो मुसोल मुसोलिनी को और ज़्यादा इजी हुआ आना है ना और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है हमारा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवादियों में असंतोष जनता में असंतोष आया तो ठीक है लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों में असंतोष आया उग्र राष्ट्रवाद मैंने आपको बताया एक्सट्रीमिस्ट है ना जो सब कुछ एक्सट्रीम में करते थे तो इसमें क्या था कि 1896 में जब इटली चाहता था कि इथियो, इथियोपिया पे वो कब्ज़ा करे है ना लेकिन इथियोपिया ने इसको हरा दिया तो इस वजह से उग्र राष्ट्रवादियों को और धक्का सा लगा ठेस पहुँची उसके स्वाभिमान को कि मुझे इथियोपिया ने हरा दिया है ना तो इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इनके मन में एक आक्रोश था बल्कि बदला लेंगे अब तो हम बदला लेके ही रहेंगे प्रथम विश्व युद्ध में भी यही घटना घटी कि इसको कुछ मिला ही नहीं जिया जीता तो ये लेकिन ये हारे हुए समान ही था तो इस वजह से इनके अंदर बहुत असंतोष पैदा हो गया बहुत ज़्यादा और इन्हीं का नेतृत्व किसने किया मुसोलिनी ने सिक्स्थ पॉइंट है हमारा साम्यवाद के प्रसार का भय इनको बहुत डर था कि साम्यवाद कहीं इसका कहीं साम्यवाद ही यूरोप में पूरा छान आ जाए क्योंकि उस टाइम 1917 में रूसी क्रांति हुई थी बोलशेविक पार्टी जिसमें जीत गई थी लेनिन की सरकार बन गई थी साम्यवादी सरकार इसमें आ गई थी ठीक है सत्ता में आ गई थी अब आप खुद सोचो कि पहले पूरी पूंजीवादी व्यवस्था होया करती थी अब नई विचारधारा आएगी तो पूंजीवादी लोगों को भी ठेस पहुंचेगी और जहाँ पे पूंजीवादी है वहाँ पे भी ठेस पहुंचेगी है ना तो ये सब हुआ साम्यवादी सरकार आ गई और लेनिन का भी एक मेन क्या था विच मेन उनका एजेंडा था कि पूरे यूरोप में साम्यवादी सरकार कायम करना है ना ये सब था तो क्या होता है कि अब इटली में तो सारे ये प्रदर्शन वगैरह चल ही रहे होते कि कृषक मजदूर इतनी भूखमरी मच गई बेरोजगार की स्थिति उत्पन्न हो गई तो भाई लोग तो विद्रोह करेंगे ही कहेंगे कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए है ना सरकार के विरुद्ध विरोध करे तभी तो पांच सरकार बदली वरना से थोड़ी बदल जाती वरना कोई इंसान सत्ता में आ गए तो बिना बिना अगर सर जनता कुछ ना करी तो वो तो जाता ही नहीं है नहीं तो इस वजह से साम्यवादी सरकार जो थी वो इटली के कृषक मजदूरों श्रमिकों की मदद करती गई ताकि वो हड़तालें कर सके और प्रदर्शन हिंसाकारी ये सब चीज़ें कर सके जिस वजह से मुसोलिनी को भी एक गुस्सा सा आया कि ऐसे कैसे कर सकते हैं और इसको डर भी था कि कहीं साम्यवादी सरकार की स्थापना ना हो जाए तो मुसोलिनी की मदद करी पूंजीपतियों ने क्योंकि इनको लग रहा था कि मुसोलिनी है जो साम्यवादी सरकार को रोक सकता है तो ये भी एक वजह थी कि मुसोलिनी प्रभाव में आता गया और इसने इन पर कृषक मजदूरों पे कंट्रोल कर लिया और हड़तालों पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिए गए कि अब से हड़ताल बिल्कुल नहीं होगी और जो हड़ताल करेगा उसको सीधा मार दिया जाएगा इसने भी बहुत हत्याएँ की हैं ठीक है अब देखते हैं हीगल का सिद्धांत हीगेल कौन थे मार्क्सवाद मार्क्सवाद के एक गुरु के तरह थे ये ठीक है हीगेल का हीगेल इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था ये कहते थे कि राज्य सर्वोपरि है राज्य से ऊपर कुछ भी नहीं होता है ये वो ये राज्य एक ईश्वरीय स्वरूप है ठीक है भगवान के समान होता है राज्य और राज्य कभी भी गलत नहीं होता है और राज्य का हित हमेशा सर्वोपरि होता है अगर लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़े राज्य के लिए तो वो कर सकते हैं लेकिन हीगेल ने एक पॉजिटिव वे में ये सिद्धांत दिया था लेकिन जो मुसोलिनी था इन्होंने सिद्धांत का प्रचार प्रसार किया लेकिन उग्र विचार अपने भर दिए और वो तानाशाह के रूप में आ गया ठीक है इस विचार के साथ इसने भी यही विचार अपनाया कि राज्य सर्वोपरि है अब हम बात करेंगे फांसीवादी विशेषताओं के बारे में ठीक है तो फर्स्ट विशेषता क्या थी उग्र राष्ट्रवाद थे ये लोग बहुत ज्यादा इनमें मतलब एक था बात की हमारे साथ हुआ ऐसा तो कैसे हुआ हम तो बदला लेके रहेंगे इनमें एक ये विचारधारा थी तो जिस वजह से मुसोलिनी ने सब में इनका उग्र राष्ट्रवादी जो लोग पहले से ही मौजूद थे उनका नेतृत्व किया और मुसोलोन मुसोली ने खुद उग्र राष्ट्रवाद था तो इस वजह से ये विचारधारा इसकी बनी ठीक है साम्राज्यवादी विस, विस्तार मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना है हमें जगह जगह ठीक है इसमें यह भी था ऐसा नहीं इनका ये विचार नहीं था कि एक जगह सीमित रखना है अपने आप को ऐसा इनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था राज्य सर्वोपरि ये कहता था कि राज्य सर्वोपरि है अगर राज्य के हित के लिए इंसानों को भी बलिदान देना पड़े तो कोई बात नहीं है ठीक है और ये ये भी कहता था कि जो राज्य है ना वो शरीर है और जो आ, वहाँ पे व्यक्ति हैं जो लोग हैं वो उसके शरीर के अंग है लेकिन अगर शरीर रहेगा तो ही अंग है ये क्या कहता था कि राज्य से ही व्यक्ति है सिद्धांत तो ये होता है ना कि राज्य किस लिए होता है व्यक्तियों के लिए होता है ना कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता कायम रख सके उनकी डिग्निटी को मान्यता दे सके उनको कायम रख सके लेकिन इन्होंने उल्टा ही बना दिया इन्होंने कहा कि राज्य सर्वोपरि है राज्य के लिए ही सब कुछ करना है राज्य नहीं तो कुछ भी नहीं राज्य शरीर है और व्यक्ति उसके अंग है अगर अंग कट जाए तो चल जाएगा लेकिन अगर शरीर कट जाए तो नहीं चलेगा ये ये कहा करते थे ठीक है और फोर्थ ये क्या कहते थे एक दलीय शासन व्यवस्था इनका विश्वास था कि सिर्फ एक ही दल होना चाहिए अगर बहुत सारी पार्टी तो भ्रमित करती है लोगों को जिस वजह से विकास रुक जाता है तो इनका एक ये विचार था एक दल एक सत्ता एक शासन जो कि अपने बारे में कहते थे कि मुसोलिनी ही एक दल का एक शासन बनेगा और इसने एक पार्टी भी बनाई थी इसी तरीके से जिसके अंदर 400 मेंबर्स थे और उन लोगों को उन्हीं 400 मेंबर्स में से किसी न किसी एक को चुनना पड़ता था ठीक है इसने अपनी गृह नीति के अंदर ही सब बनाया हुआ था और एक सिंडिकेट व्यवस्था भी इसने लागू की थी संसदीय व्यवस्था जैसे इसने क्या किया था कि उस उस व्यवस्था के अंदर छः पूंजीपति और छः मजदूर प्रतिनिधि बनाए गए थे और एक स्वतंत्र व्यक्ति था जो ना ही पूंजीपति वर्ग में से था और ना ही मजदूर वर्ग में से था तो इस तरीके से इसने किया था ओके तो ये ये सब बात करता है उसके बाद ये फिफ्थ पॉइंट है इसका लोकतंत्र विरोधी ये कहता है कि लोकतंत्र जैसा कुछ भी नहीं होता है ठीक है अगर लोगों का शासन कि लोगों की वजह से हम कुछ करने लगे तो लोगों के अलग अलग मत होते हैं अलग अलग विचार होते हैं इस वजह से सत्ता बिगड़ सकती है तो लोगों का मत कुछ भी नहीं होता है लोग सिर्फ गरीब और अमीर वर्ग संघर्ष ही चलता रहता है तो इस वजह से लोकतंत्र का ये बहुत तगड़ा विरोध करता था ठीक है प्रबल विरोधी था सिक्स पॉइंट है हमारा सिद्धांत विरोधी यथार्थ पर आधारित ये क्या कहता था कि सिद्धांत विधांत कुछ भी नहीं होता है भाई ये कहता था कि जो हम रियलिटी में कर रहे हैं वही सिद्धांत है इसका मानना ये था कि अगर हम आगे अपने फ्यूचर के लिए सिद्धांत बना के रख लें ये हमने एक पूरा एक चैप्टर पूरा एक पेज बना दिया एक उसमें पॉइंट्स लिख दिए कह दिए कि ये चीज़ें हम फॉलो करेंगे अपना सिद्धांत बना लिया तो ये सब नहीं चलने वाला क्योंकि सिद्धांत जो है परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं तो हमें यथार्थ पर आधारित ही चीज़ों को करना पड़ेगा और विचार फांसीवाद की विचारधाराएं भी इसी तरीके से बनी कैसे बनी यथार्थ में ये जो जो करता गया मुसोलिनी वही इसके सिद्धांत बन गए तो ये सिद्धांत विरोधी था और यथार्थ पर आधारित चीजें को ही मानता था ठीक है सेवेंथ पॉइंट है समाजवाद का कट्टर विरोधी ये समाजवाद का कट्टर कट्टर बहुत ही ज़्यादा विरोध करता था ठीक है इसलिए नहीं चाहता था कि समाजवाद आए और बढ़े क्योंकि उस टाइम क्या क्या चलता रहता था कि लेनिन जिंदाबाद राजा मुर्दावाद ये सब चलता रहता था तो ये इसका बहुत ज़्यादा विरोध करता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए समाजवाद एक बहुत ही बेकार विचारधारा है ठीक है क्योंकि <coughs> एक ही के हाथ में सत्ता आ जाना ये एक गलत बात है वो अपने आप से ही कुछ चलाए ऐसे तो ये बिल्कुल ही से अलाउ नहीं करता था ना ही इन चीज़ों को ये मानता था ठीक है तो ये समाजवाद का बहुत विरोध करता था से एट पॉइंट है हमारा पूंजीवादियों का समर्थन ये पूंजीवादी अब इस पर चंद्रबिंदु लगा लीजिएगा ठीक है पूंजीवादियों का ये समर्थन करता था क्योंकि क्या था ना कि ये समाजवाद का विरोध करता था और पूंजीवादी ने उसको समर्थन दिया था मुसोलिनी को कि हम तुम्हारे साथ हैं तुम समाजवाद का विरोध करो तो इस वजह से पूंजीवादी का ये समर्थन करता था ठीक है इसी यही कारण था ओके नाइन्थ पॉइंट ये था कि शांति विरोधी था ये ये कहता था कि भाई शांति वांति कुछ नहीं होता शांति करके कोई फायदा नहीं है विस्तार करो और अपने आप को और युद्ध करो जो युद्ध में जीतेगा वही तो कहलाएगा कि हाँ हमने कुछ किया है शांत बैठे रहने से कुछ तो होगा ही नहीं तो इसलिए युद्ध प्रचारक कर करता था और ये युद्ध को ही मेन मानता था कहता था युद्ध होगा तभी पता चलता है कि कुछ इंसान में कोई क्षमता है या नहीं युद्ध करो और जो कमज़ोर लोग हैं कमजोर वर्ग है और कमजोर जो राज्य है उनको जीतते जाओ ये इस चीज़ में मानते मान्यता रखता था ठीक है रास्त शस्त्रों की होड़ का समर्थन ये शस्त्रों की होड़ का समर्थन भी करता था 1919 के बाद क्या हो गया था कि कहा गया था कि अब हम क्या नाम है शस्त्रों में थोड़ी कमी लाएंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ मुसोलिनी ने वापस शस्त्र बनाने स्टार्ट कर दिए ठीक है क्योंकि ये इसका मानना अब युद्ध प्रचारक था युद्ध का समर्थन करता था तो अब युद्ध खाली हाथों करेगा नहीं ना शस्त्रों के साथ ही करेगा शस्त्र के साथ तो इसलिए इस ये समर्थन देता था कि भाई शस्त्र होने चाहिए ओके इलेवेंथ पॉइंट है हमारा व्यक्तिवाद का विरोध ये व्यक्तिवाद का विरोध करता था ये कहता था कि व्यक्तिवाद कुछ भी नहीं होता है कोई व्यक्ति कुछ नहीं होता है ठीक है और व्यक्ति की स्वतंत्रता भी कुछ नहीं होती है व्यक्ति को वही करना चाहिए जो राज्य आदेश देता है मतलब अपने बारे में कहता है कि जो मैं बोलूँगा वही व्यक्ति को करना चाहिए और जो व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है ना वो राज्य की दी गई एक भीख है तो व्यक्तियों को सिर्फ उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए और राज्य जब चाहे वो उनकी स्वतंत्रता ले सकता है जब उसको जरूरी पड़ेगा और व्यक्तियों को हमेशा खड़ा रहना चाहिए राज्य के लिए ये इस तरीके से बातें करता था ठीक है उसके बाद ट्वेल्थ पॉइंट है तर्क बुद्धि का विरोध ये कहता था कि तर्क जैसा कुछ होता ही नहीं जो है जो लोग कार्य करते हैं ना इसके अंडर राज्य के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं राज्य के लिए काम कर रहे हैं वो डर के वजह से काम कर रहे हैं ठीक है ठीके? एक राष्ट्रवाद की बात की भावना की वजह से भी आप कह सकते हैं काम कर रहे हैं लेकिन तर्क बुद्धि का इसमें कोई रोल नहीं होता है तो ये ये चीज मानता था ये इमोशंस को ज्यादा महत्व देता था ठीक है तो ये बात थी इसके अंदर और थर्टीन पॉइंट है हमारा स्वतंत्र व्यापार का विरोध ये स्वतंत्र व्यापार का भी विरोध करता था ये कहता था कि जो 1929 में जो आर्थिक मंदी आई है वो स्वतंत्र व्यापार की वजह से ही आई है तो ये इस चीज़ का भी बहुत विरोध करता था कि स्वतंत्र व्यापार होना ही नहीं चाहिए है ना ये था इसके अंदर और अब यहीं पर हमारा ये खत्म होता है और लास्ट में मैंने ये बता रखा है कि फांसीवाद की स्थापना कब हुई थी ट्वेंटी थ्री मार्च नाइन्टीन नाइनटीन में मिलान नगर के अंदर ओके अभी यहीं पर ही हमारा खत्म हो जाता है और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे बता देना अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नाज़ीवाद का उदय करेंगे ठीक है हिटलर के बारे में जानेंगे और उसी में हम फांसीवाद और नाजीवाद की समानताएं और विषमताएं दोनों देख लेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो जाए क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि ये दोनों विचारधाराएं बिल्कुल सेम है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कुछ कुछ डिफरेंस है इन दोनों में तो हम ये बात करेंगे ठीक है तब तक के लिए बाय बाय टाटा